नमस्कार, जीटोस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं एस के माथुर नेक्स्ट वीडियो फ्लूइड मैकेनिक्स से लेके आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था आपका बॉयंसी क्या होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी कैसे निकालते हैं, जितना वेट डिस्प्लेस हुआ उसका सी जी जो होता है वहाँ से लगता है, बॉयंट फोर्स अपवर्ड लगता है, अपेरेंट वेट और हमने रियल वेट ये सब देखा था। अपेरेंट वेट के केस में आपका बॉयंट जो होता है, बॉयंसी फोर्स जो होता है वो माइनस हो जाता है। बॉयंसी फोर्स क्या होता था, एफ बी जो होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक नाव में बंदा बैठा हुआ है, उसमें कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, वो स्टोन्स को बाहर फेंकता जा रहा है, तो उसमें जो नाव होगी, जो बोट होगी, वो कैसे क्या करेगी, डाउन जाएगी कि अप जाएगी। जब वो स्टोन बाहर फेंकेगा तो उसका वेट जो होगा नाव से कम होगा, इसकी वजह से नाव क्या होगी आपकी, थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन जो होता है ये पूछा जाता है कि जब नाव आपकी सी वाटर से रिवर वाटर में जाती है, समुद्र से, समुद्र का पानी ख़त्म हुआ, वो एंटर किए किसमें, नदी के पानी में, तो क्या उसमें जो होगा सडन फॉल होगा या कुछ राइज होगा। तो उस केस में आपका आंसर होता है कि जब बोट जो होती है एंटर्स फ्रॉम सी वाटर टू रिवर वाटर, से जो आपकी बोट होगी वो थोड़ा सा लिटिल बिट गो डाउन, थोड़ा सा नीचे चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है आपकी सी वाटर की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिवर वाटर। इसीलिए आपके सी वाटर में जो तैरना होता है, स्विम करना होता है, वो काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू रिवर वाटर। जो डेंसिटी होती है वो सी वाटर की लगभग 1100 केजी पर मीटर क्यूब होती है, और हम वाटर की जानते हैं लगभग 998 केजी पर मीटर क्यूब होती है, जिसको हम क्या मानते हैं, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसलिए क्या होगा, जब बोट आपके समुद्र से रिवर में जाएगी तो क्या होगा, सडन डाउन चली जाएगी। समुद्र में तैरना आसान था तो थोड़ी सी अप रहती थी। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखते हैं हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में इसमें क्या होना चाहिए। आपका इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स और नेट मूवमेंट जो होता है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि नेट फोर्स और नेट मूवमेंट जीरो होना चाहिए। ये मैंने कोई शेप लिया, इसमें मैंने बॉल को क्या किया, यहाँ से छोड़ा, तो उसमें क्या किया, मैंने फोर्स दिया, कुछ फोर्स दिया, तो धीमे धीमे क्या होगी, बॉल ऐसे ऐसे मूव करते करते इसमें जो मूवमेंट होगा वो भी जीरो हो जाएगा, और जो नेट फोर्स होगा, जो कि पहले मैंने इसको यहाँ छोड़ा तो फोर्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऊपर तक जाएगी, फिर नीचे 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 धीमे धीमे क्या होगा, नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा, मूवमेंट भी जीरो हो जाएगा, तो ये अपने स्टेबल पोजिशन पर आ जाएगी। सेकेंड केस, यहाँ पे अगर कोई बॉल रखी हुई है और ये वाला शेप है आपका, ये कॉनकेव अपवर्ड था तो स्टेबल होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा भी इसको फोर्स दे दूंगा तो ये आपकी सडन क्या होगा, इसमें फोर्स भी बढ़ता जाएगा और मोमेंट भी बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक, ये क्या होगी, फॉल करती चली जाएगी, कभी स्टेबल पोजिशन पर नहीं आ पाएगी। इसलिए ये क्या है आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये था आपका स्टेबल, क्योंकि इसमें कभी भी फोर्स और मूवमेंट जीरो नहीं होगा। एक होता है न्यूट्रल केस, थोड़ा सा मैंने फोर्स दिया, थोड़ी देर मूव किया, फिर क्या हुआ, फिर रुक जाएगी, फिर फोर्स दिया, फिर मूव की, फिर रुक जाएगी, ये होता है आपका न्यूट्रल केस। तो तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम हमारे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल में नेट फोर्स और नेट मूवमेंट जीरो हो जाता है, और अनस्टेबल में नहीं होता है, न्यूट्रल में कुछ समय के बाद हो जाता है। अब हमने पिछले केस में दो केस पढ़े थे पिछले वीडियो में, फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज बॉडी। तो जो सबमर्ज बॉडी होती है वो कम्प्लीटली क्या होती है, पानी के अंदर डूबी हुई होती है, उस पर जब मैं डिस्टर्बेंस करता था तो उसमें आपका बी जो होता था विल नॉट चेंज, बी कभी चेंज नहीं होता था। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, हम देखेंगे कि जब पूरी तरीके से डूबी हुई है पानी के अंदर तो उसमें बी और जी जो होता है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि जी जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो कि बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और जो बी होता है माय डियर वो बी डिपेंड करता है, जो बॉडी पानी के अंदर है उसने जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है उस पानी के डिस्प्लेस सी जी से आपका बी होता है, वहीं से आपका पॉइंट फोर्स लगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज, जो पानी में पूरी तरीके से डूबी है, ये आपका फ्री सरफेस है और ये तभी सबमर्ज है पूरी तरीके से। इसमें हम देखते हैं एक बॉडी ये है, इसमें मान लो कि यहाँ पर जो नीचे नीचे मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर बहुत कम है, तो इसका जी क्या होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, और बी जो होगा इसका जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, जो इसके इक्विवेलेंट पानी होगा उसका बीच में जो पॉइंट होगा वो बी होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी। बॉयंसी से आपका अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, इसको एफ बी कहते हैं, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उससे आपका वेट नीचे एम जी लगता है।
अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा ऐसे, मतलब इस ये बॉडी को ऐसे मूव करूंगा, तो मैंने मूव किया तो क्या होगा, बी जो होगा थोड़ा सा, बी की पोजिशन तो चेंज होती नहीं आपकी, बी की पोजिशन चेंज नहीं होती स्टेबिलिटी ऑफ, किस केस में, सबमर्ज्ड के केस में, तो बी आपका वही है, लेकिन जी जो होगा ये थोड़ा सा घूम जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपका बॉइंट फोर्स ये हो गया, और ये अभी यहाँ पे एक ही लाइन में थे, अब यहाँ पे एक लाइन में नहीं है, तो क्या करेगा ये, क्या कपल का फॉर्मेशन कर देगा, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने डिस्टर्बेंस दिया था इसको क्लॉकवाइज, मैंने डिस्टर्बेंस दिया था कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और इसमें जो मूवमेंट जनरेट हो गया, कपल जनरेट हो गया, वो कैसा जनरेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिसका रीज़न क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देंगे, मैं डिस्टर्ब करूंगा ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, इसलिए ये स्टेबल है। ये क्या है आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बी शुड लाइज अबव जी, बी हमेशा सेंटर ऑफ बॉयंसी, हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होना चाहिए, तभी आपका बॉडी जो होगी कम्प्लीटली समर्ज बॉडी के केस में, बी शुड लाइज अबव जी, तभी होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें मैं डिस्टर्बेंस देता भी हूँ, कम्स इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन वेन डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब करूंगा तो वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कपल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है आपका दूसरा केस, पहले वाले में बी जो था ऊपर था, जी नीचे था। यहाँ पे कोई बॉडी ऐसी है जिसका जो मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऊपर ज़्यादा है, जब ऊपर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो ऊपर लाई करेगा, और जो आपका बी होगा वो थोड़ा सा नीचे लाई करेगा। इस केस में मैं देखता हूँ, हमें पता है बॉयंसी फोर्स से क्या होता है, आप बहुत बॉइंट लगता है, जी से वेट नीचे। अब इसको अगर मैं डिस्टर्ब करूँगा, डिस्टर्ब मैंने कैसा किया, इसको क्लॉकवाइज किया, अब इसमें जो कपल जनरेट होगा, ये बी जो होगा आपका यहाँ, बी चेंज नहीं होता है, जी जो होगा एक लाइन से हट गए हैं, आप क्या फॉर्म करेंगे, क्लॉकवाइज कपल फॉर्म करेंगे। मैंने डिस्टर्बेंस भी दिया था क्लॉकवाइज, और जो कपल का क्लॉकवाइज और जो कपल का फॉर्मेशन हुआ है वो भी कैसा हुआ है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने इसको डिस्टर्ब किया उसी डायरेक्शन में मूवमेंट भी अपने आप को क्या, कपल का फॉर्मेशन कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा धक्का देंगे, वो क्या करेगा, पूरा उसमें उसी साइड मूव कर जाएगा, क्योंकि दोनों ऐड होके एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल की कंडीशन बी हमेशा जी से नीचे होगा, बी शुड लाइज बिलो जी। इसमें डिस्टर्बेंस इज मल्टीप्लाइड, जो मैंने डिस्टर्ब किया वो क्या हुआ, मल्टीप्लाइड हो गया, उसी में ऐड हो गया, ये बी सी डायरेक्शन में, ये बी सी डायरेक्शन में। नेक्स्ट होता है आपका ये न्यूट्रल केस होता है, ये स्टेबल अनस्टेबल, ये न्यूट्रल केस होता है। न्यूट्रल केस में क्या होता है, बी कोइंसाइड कर जाता है, न्यूट्रल केस में क्या होता है, बी कोइंसाइड कर जाता है आपका जी से, तो वो अपनी उसी पोजीशन में रहता है। बी और जी, इसको मैं अगर डिस्टर्ब भी करूँगा, इसको अगर मैं डिस्टर्ब भी करूँगा, अगर मैं इसको डिस्टर्ब भी करता हूँ, मान लो ये डिस्टर्बेंस दिया मैंने, ये डिस्टर्बेंस भी दिया, तब भी क्या होगा आपका, दोनों एक ही जगह हैं, यही आपका बी भी है, यही आपका जी भी है, तो क्या होगा, फिर से आपका जो अपवर्ड होगा वो एफ बी, और जो डाउनवर्ड होगा वो आपका एम जी हो जाएगा, तो कुछ फर्क आपका नहीं पड़ेगा, दोनों पॉइंट एक ही जगह रहेंगे, उसको हम बोल देते हैं क्या, न्यूट्रल। बी एंड जी विल कोइंसाइड, बी और जी क्या होते हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे, वेन मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी इज सेम, ये कब होगा, जब इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इस बॉडी का पूरा एकदम होमोजीनियस होगा, तब उसके सी जी में ही बी आएगा, और उसके सी जी में ही उसका जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वहीं पर बी आएगा, ये न्यूट्रल केस हो गया। अब ये थी आपकी समर्ज बॉडी, अब मैं आता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी के केस में। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी के केस में क्या होता है, फ्लोटिंग बॉडी पानी में तैर रही होती है, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं फ्लोटिंग बॉडी और समर्ज बॉडी, हमने देखा था कि जो समर्ज बॉडी होती है उसमें बी की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन जो आपकी फ्लोटिंग बॉडी होगी जो कि पानी में तैर रही होगी, उसको डिस्टर्ब करने पे उसका बी जो होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि बी शुड लाइज अबव जी, तो स्टेबल हो गया, बी अगर नीचे है जी से तो अनस्टेबल हो गया, अगर एक ही पॉइंट पे है तो आपका न्यूट्रल केस हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, जो पानी में तैर रही होगी उसकी। यहाँ पे एक नई चीज़ आती है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। फ्लोटिंग बॉडी पानी में तैरेगी,
यहाँ पे एक नई चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी जिसको हम मेटासेंट्रिक पॉइंट कहते हैं। मेटासेंट्रिक पॉइंट, फ्लोटिंग बॉडी का प्रिंसिपल और बिहेवियर एकदम अलग होता है सम्बल बॉडी से। यहाँ पे हमें एक नया पॉइंट पढ़ना है मेटासेंटर, जिसको हम कैपिटल एम से नोट करेंगे। मेटासेंटर होता क्या है, ये एक पॉइंट होता है, देखते हैं। मेटासेंटर फ्लोटिंग बॉडी में होगा, ये अगर आपकी कोई बॉडी है, दिस इज योर बॉडी, इसकी वर्टिकल लाइन होगी कुछ, ये वर्टिकल लाइन, ये बॉडी की वर्टिकल लाइन है, इसी में आपका बी भी लाई करेगा और इसी में आपका जी भी लाई करेगा। ये मान लो फ्लोटिंग है तो इसमें जो फ्री सरफेस लेवल जो होगा वो आपका कुछ यहाँ पे होगा, ये वाटर है, ये फ्लोट कर रही है, बी भी है यहाँ पे और जी भी है और ये वर्टिकल एक्सिस भी है आपकी। तो ये जो है आपका जी, बी भी है और जी भी है, किसमें है, ये वर्टिकल लाइन ऑफ बॉडी, एक ही लाइन में है। अब मैं ये भी जानता हूँ कि मैं बॉडी को अगर डिस्टर्ब करूँगा तो डिस्टर्ब करने पे क्या होता है, बॉडी को डिस्टर्ब करने पे ये क्या है आपकी, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी, जब मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो डिस्टर्ब करने पे क्या होता है, इसका जो बी होगा वो चेंज हो जाएगा। हमने पहले देख चुके हैं फ्लोटिंग बॉडी के केस में, अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो क्या होगा, डिस्टर्ब करने पे इसकी बी की पोजीशन जो होगी वो चेंज होगी, लेकिन वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी तो आपकी सेम ही रहेगी, वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी आपकी सेम रहेगी, वर्टिकल एक्सिस से आपको ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी है वो एज इट इज रहेगी, वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी एज इट इज रहेगी। तो इसमें क्या होगा आपका, जी जो है वो तो आपका चेंज होगा नहीं बॉडी का, जी आपका वहीं पे रहेगा, लेकिन जो बी है आपका माय डियर, बी अपने नई पोजीशन पे पहुंच जाएगा, पहले बी आपका यहाँ था, अब जो होगा नया बी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बॉडी अंदर चली गई पानी में, तो यहाँ पे जो होगा नया बी डैश मिल जाएगा, ये नया पॉइंट मिल गया डिस्टर्ब करने पे। तो अब इसमें क्या होगा, जो बॉइंट फोर्स होगा वो कैसा लगेगा, अपवर्ड लगेगा, बॉइंट फोर्स नीचे जी से क्या लगता है, एम जी लगता है, ऊपर क्या लगता है, बॉइंट फोर्स। तो ये जहाँ पे काटेगा जाके वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी को, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेटा सेंटर पॉइंट कहते हैं। कहाँ पे काट रहा है ये, इस पॉइंट पे काट रहा है, तो ये पॉइंट जो है आपका क्या है, एम, एम कैपिटल एम जो होता है वो क्या होता है, मेटा सेंट्रिक पॉइंट होता है, मेटा सेंट्रिक पॉइंट। तो मेटासेंट्रिक पॉइंट क्या होता है, इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि डिस्टर्ब करने पे बी की पोजीशन चेंज होगी, नया बी मिलेगा, अगर वहाँ से जो अपवर्ड फोर्स लगेगा पॉइंट फोर्स, वो कहीं ना कहीं वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी को काटेगा जाके, उसी पॉइंट को जहाँ पे वो काटेगा उसी पॉइंट को हम मेटासेंट्रिक पॉइंट कहते हैं। इसी को हम डिनोट करते हैं किससे, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। अब इस केस में मैं देखता हूँ, अगर इसका जो ये है आपका जी पॉइंट है, जी पॉइंट से क्या लगता है, डाउनवर्ड लगता है क्या एम जी। अब अगर मैं इसको डिस्टर्ब, मैंने क्या किया इसको, कैसे, ऐसे मूव करवाया, ऐसे मूव करवाया, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक कपल का फॉर्मेशन करेंगे, कैसा, ये कपल फॉर्मेशन करेंगे, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, और डिस्टर्बेंस मैंने क्लॉकवाइज दिया, ऐसे किया, लेकिन ये कपल मिलके बना लिया ऐसा, तो ये कैसा होगा केस, ये स्टेबल केस होगा, ये कैसा है आपका, स्टेबल का केस, स्टेबल। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, इस मेटासेंट्रिक पॉइंट को हम वो पॉइंट भी कहते हैं जिस पॉइंट के अबाउट क्या होती है, बॉडी ऑसिलेट करती है। ये मान लो आपकी बॉडी थी, ये बॉडी थी आपकी, ये दिस वन इज योर बॉडी, दिस वन इज योर बॉडी, ये आपकी बॉडी की वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, इस बॉडी को अभी ऐसी थी, यहाँ तक पानी है, ये पानी है, अब मैंने जब ऐसे किया तो जो बी था वो उठ के कहाँ चला गया है, थोड़ा सा वर्टिकल लाइन से खिसक के इस साइड जाएगा, तो ये बी जो होगा जहाँ काटेगा जाके वो हो गया आपका मेटासेंट्रिक पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है मेटासेंट्रिक पॉइंट, इसी पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या करती है, ऐसे ऑसिलेट भी करती है। तो इस मेटासेंट्रिक पॉइंट को हम, मेटासेंट्रिक पॉइंट जो एम होता है, इसको हम ऑसिलेटिंग पॉइंट भी कहते हैं, ऑसी
ऑसिलेटिंग पॉइंट मतलब इस पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या करेगी, ऐसे 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 ये ऑसिलेट करेगी, इसको हम ऑसिलेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो ये स्टेबल है क्योंकि क्या किया इसने, मैं क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस दे रहा हूँ, वो अपने आप को किस फॉर्म में ले आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में। तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो एक कंडीशन बन जाती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में आपको याद रखना है एम शुड लाइज अबव जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में एम शुड लाइज अबव जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में एम शुड लाइज अबव जी। जी के हमेशा, मैंने पिछले केस में जब आपका पढ़ा था, कौन सा केस, पिछले केस में मैंने पढ़ा था आपका फ्लोटिंग कम्प्लीटली समझ, उस केस में क्या था, बी ऊपर था जी नीचे था तो आपका स्टेबल, बी नीचे था जी ऊपर था अनस्टेबल, एक ही जगह था तो कौन साइड। यहाँ पे मैं बी और जी को कंपेयर नहीं करता है, यहाँ पे बी क्या होता है, चेंज होता जाता है, हमें बी से लेना देना नहीं है क्योंकि वो बदल रहा है, जो चीज़ बदल रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका जी नहीं चेंज हो रहा है, जी और मेटासेंट्रिक पॉइंट का हम कंपैरिजन करेंगे, मेटासेंट्रिक पॉइंट चेंज हो रहा है। तो अगर एम जो है जी के ऊपर होगा तो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अगर आपका एम जो है वो जी के नीचे हो जाएगा तो वो आपका अनस्टेबल केस होता है। देखते हैं हम अनस्टेबल केस में क्या होगा आपका, इसी को मैं डिस्टर्ब करके बता दे रहा हूँ आपको, नीचे हो जाएगा बी ऊपर हो जाएगा जी, सेम वही चीज़ बना रहा हूँ मैं, क्या बनाता हूँ देखो, यही मैंने डिस्टर्ब किया बॉडी को, बॉडी को डिस्टर्ब किया, उसकी वर्टिकल एक्सिस आपकी कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल एक्सिस जो थी वही रहेगी, वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी एज इट इज। इस केस में जो आपका जी था वो जी जो है आपका, ये जो है आपका जी है, और जो बी है वो नई पोजीशन मान लेते हैं मैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, पहले वाला बी था मान लो, ये बी था, अब जो नया बी आया है वो बस यहीं पे शिफ्ट हुआ है, ये बी डबल डैश, ये बी डैश था, ये बी डबल डैश। तो यहाँ से जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा आपका, ये लगेगा एफ बी। तो ये वर्टिकल एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है आपकी, आपकी वर्टिकल एक्सिस को इसने कहाँ पर काट दिया, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस थी, इस पॉइंट पर काट दिया। तो ये पॉइंट जो है आपका क्या है, मेटासेंट्रिक पॉइंट। ये जो नया बॉयंसी पॉइंट आया था, यहाँ से अपवर्ड बॉयंट फोर्स लगेगा और डाउनवर्ड क्या लगेगा आपका, जी से क्या लगेगा, जी से मेरा डाउनवर्ड लगता है क्या, एम जी, ये क्या लगेगा डाउनवर्ड, एम जी। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एम जो है मेटासेंट्रिक पॉइंट जो है वो जी के नीचे आ गया। अब मैं इसको कपल को भी देखता हूँ, ये दोनों मिलके, दिस वन रेड वन एंड ब्लू वन मिलके ये क्या करेंगे आपका, ये क्लॉकवाइज कपल का फॉर्मेशन कर देंगे। अब मैंने डिस्टरबेंस भी कैसा दिया है इसको, क्लॉकवाइज ही डिस्टरबेंस दिया है मैंने, क्लॉकवाइज ही डिस्टरबेंस दिया है। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाइड हो गया डिस्टरबेंस आपका, इस केस में मल्टीप्लाइड हो गया, इसका मतलब अगर जी के नीचे होगा एम एम तो वो कौन सा केस होगा आपका, वो केस होगा हमारा क्या, अनस्टेबल केस। तो ये हमारा केस कौन सा है, अनस्टेबल केस, अनस्टेबल, अनस्टेबल में क्या हुआ, बी जो बी जो अब बी से तो कंपेरिजन करेंगे नहीं, चेंज हो रहा है, एम शुड लाइज बिलो जी। एम अगर जी से नीचे है तो वो कैसा केस होगा, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, स्टेबल के केस में एम जी के ऊपर होना चाहिए, अनस्टेबल के केस में एम जो होगा मेटासेंट्रिक पॉइंट जो होगा वो जी से नीचे होना चाहिए। थर्ड एक केस होता है हमारा, हम जानते हैं न्यूट्रल केस, न्यूट्रल केस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। इसी को आगे मैं फ्री सर्फेस को कंटिन्यू बढ़ा देता हूँ, इसको मैंने डिस्टर्बेंस दिया, डिस्टर्बेंस दिया बॉडी को, ये इसकी वर्टिकल एक्सिस थी, वर्टिकल एक्सिस बॉडी की चेंज नहीं होगी। आपका इसमें क्या था आपका, ये जी था, जी था आपका बॉडी में, जी एज इट इज था आपका, जी दिस इज जी, ये आपका जी था, ये आपका बी था पहले वाला। अब क्या किया मैंने, इसको डिस्टर्ब किया तो इसका क्या हुआ, नया बी मिल गया मुझे, इसको मैं बी ट्रिपल डैश कर रहा हूँ, तीसरा केस देख रहा हूँ। इसमें क्या होगा, जो वर्टिकल फोर्स लगेगा अपवर्ड वो क्या, बॉइंट फोर्स एफ बी लगेगा, एफ बी। ये कहाँ पे काटा जाके, इसी पॉइंट पे काटा जो आपका जी था, तो यही क्या हो गया हमारा, मेटासेंट्रिक पॉइंट हो गया।
कि नया जो बॉयंट फोर्स आया, नया बॉयंसी पॉइंट जो आया, वहाँ से मैं अपवर्ड बॉयंट लगाता हूँ। बॉयंट फोर्स तो क्या होता है, वो जी को ही कॉइंसाइड करता है, तो यहाँ पे स्टेबल केस हो गया, क्योंकि यहाँ से जो जी पॉइंट से क्या लगता है, डाउनवर्ड आपका एम जी भी लगता है, कि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। मैं डिस्टर्ब भी करूँगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक ही वर्टिकल लाइन में ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया आपका न्यूट्रल केस। न्यूट्रल केस में क्या होता है, बी जी शुड कोइंसाइड विद एम, या एम मेटासेंट्रिक पॉइंट शुड कोइंसाइड विद, शुड कोइंसाइड विद किसके साथ, जी के साथ, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेटासेंट्रिक पॉइंट क्या होता है, मेटासेंट्रिक पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑसिलेट करती है। ये आपका बॉडी के अंदर भी हो सकता है और ये आपका बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ये मेटासेंट्रिक पॉइंट होता है आपका। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा बनता है। मेटासेंट्रिक हाइट कैसे निकालते हैं हम, ये देखते हैं। अगर जहाज आपका कहीं पे भी, मान लो एक प्लेन है आपका, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक फ्री सरफेस पे प्लेन मूव कर रहा है, मेटासेंट्रिक हाइट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल का केस आपको याद रखना है। जब एम होगा अबो जी तो स्टेबल होगा, एम होगा बिलो जी तो अनस्टेबल, एम कोइंसाइड कर जाएगा जी से तो वो न्यूट्रल केस होता है। अब हम मेटासेंट्रिक हाइट देख लेते हैं क्या होती है। एक फ्री सरफेस है जिसमें आपका क्या प्लेन मूव कर रहा है, दिस इज योर फ्री सरफेस, दिस इज योर फ्री सरफेस, और ये आपका कोई प्लेन है जो कि मूव कर रहा है। इसका ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये कोई है आपका जो प्लेन है जो कि मूव कर रहा है। इसकी वर्टिकल एक्सिस जो पानी में मूव कर रहा है, ये आपका फ्री सरफेस था, पूरा तो जहाज तो पानी में होता नहीं है, ये फ्री सरफेस था। इसमें भी आपका कहीं ना कहीं मेटासेंट्रिक पॉइंट होगा, जी होगा, और कहीं ना कहीं एम होगा, और कहीं ना कहीं बी होगा। हम देखते हैं, ये पॉइंट जो है आपका जी है, ये पॉइंट जो है आपका बी है, और यहाँ कहीं आपका पॉइंट जो है वो एम है। तो जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो होता है आपका जी एम, और ये वर्टिकल एक्सिस हो गई, दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो होती है आपकी क्या, जी एम, जी एम जो होती है। मेटासेंट्रिक हाइट कैसे निकालेंगे, जी एम अगर मुझे निकालना है, जी एम इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूं, जी एम को मैं लिख सकता हूं बी एम माइनस बी जी, लिख सकता हूं क्या, बी एम माइनस बी जी, मुझे क्या निकालना है, जी एम निकालना है। क्या किया मैंने, बी एम माइनस बी जी कर दिया, तो ये हो गई हमारी क्या, मेटासेंट्रिक हाइट, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम, जी एम से। जी एम जो होता है आपका, इसको मैं लिखना चाहूँ अगर बी एम को, जी एम इज इक्वल टू, जी एम इज इक्वल टू आई अपॉन वॉल्यूम माइनस बी जी, मतलब जो बी एम है, ये बॉयंट पॉइंट, सेंटर ऑफ बॉयंसी और जी इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों को भी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या होता है, जी एम इज इक्वल टू, जी एम इज इक्वल टू बी एम माइनस बी जी। बी जी को मैं लिख सकता हूँ आई अपॉन वी, आई और वी है क्या यहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे आई और वी, वी जो होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ये जो बॉडी है इसने कितने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उसको हम बोलते हैं क्या। यहाँ से मान लो कि ये आपका फ्लूइड था, कुछ आपका कुछ ऐसा फ्लूइड था जिसको ये फ्री सरफेस ने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, लाइक दिस। ये आपका था पानी जिसको ये क्या कर रहा है, जहाज जो होगा आपका ऐसा होगा पूरा, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये पानी पे जो मूव करेगा तो इस पर कुछ इसका जो ये सरफेस होगा टॉप सरफेस जो उस फ्री सरफेस को काट रहा होगा, तो ये आपको पानी में दिखाना चाह रहा हूँ उसको। तो ये वी जो है आपका क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। वी जो होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, यहाँ पे बॉडी क्या आपकी शिप है, शिप के द्वारा जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है वो वी हो गया। और आई क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सरफेस ऑफ बॉडी विच इज इंटरसेक्टेड बाय फ्री सरफेस, आई क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सरफेस ऑफ बॉडी, दैट सरफेस
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सरफेस ऑफ बॉडी विच इज इंटरसेक्टेड दैट सरफेस ऑफ बॉडी विच इज इंटरसेक्टेड बाई फ्री सरफेस क्या होता है आपका वाटर फ्री सरफेस। जैसे आपका ये प्लेन है, दिस इज योर प्लेन और इसमें जो पानी था आपका, पानी कहाँ तक था, ये जो आपकी रेड वाली स्ट्रिप है, ये जो ब्लैक और रेड के बीच में बॉर्डर है, यहाँ तक पानी था। तो जब मैं इसको पानी में चलाऊँगा तो ये जो सरफेस है आपका, ये ब्लैक और ब्लू वाला, इतना सरफेस जो होगा ये पूरा ब्लैक और ब्लू वाला, ये पानी को क्या करेगा, फ्री सरफेस में इंटरसेक्ट करेगा। तो इस सरफेस का अगर मैं इसको देखूंगा, सरफेस को कैसा दिखेगा मुझे, रेक्टेंगल दिखेगा। तो इस रेक्टेंगल का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूंगा जो कि फ्री सरफेस में काट रहा होगा, जो भी शेप होगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, जो भी होगा। तो हमें रेक्टेंगल का तो पता ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, BD³/12। वैसे मैं निकाल लूंगा जो फ्री सर्फेस में काट रहा है वो होता है। तो यहाँ से हम GM जो होता है वो मेटासेंट्रिक हाइट निकाल लेंगे। अगर GM आपकी ग्रेटर देन 0 है तो स्टेबल है, लेस देन 0, अगर GM जो है आपका, इफ GM इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, स्टेबल, लेस देन 0 तो अनस्टेबल, और इक्वल टू 0 तो न्यूट्रल, इक्वल टू 0 तो न्यूट्रल। ये मेटासेंट्रिक हाइट से हम पता कर सकते हैं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि इंटरव्यू में भी पूछी जाती है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है कि पैसेंजर शिप और एक होती है वॉर शिप, दोनों में फ़र्क क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट किस में ज़्यादा होती है, पैसेंजर शिप में या वॉर शिप में। तो हमें यह आंसर होता है वॉर शिप में जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो 1 से 1.8 मीटर होती है और जो पैसेंजर शिप में होती है वो 0.5 से 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है मेटासेंट्रिक हाइट किसकी ज़्यादा होती है, मेटासेंट्रिक हाइट आपकी वॉर शिप की ज़्यादा होती है। दो शिप होती हैं आपकी, पैसेंजर शिप जिसमें क्या होते हैं, पैसेंजर चलते हैं, एक होती है वॉर शिप जिसको युद्ध के टाइम यूज़ किया जाता है। पैसेंजर शिप की जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो कम होती है, जनरली कितनी होती है, जनरली होती है आपकी 0.5 से 1 मीटर, जनरली होती है आपकी GM जो होती है वो होती है 0.5 to 1 मीटर। और जो आपकी वॉरशिप होती है उसकी GM जो होती है लगभग होती है कितने के बीच में, ये ज़्यादा होती है आपकी पैसेंजर से, 0.5 to 1 होती है पैसेंजर की, तो यहाँ पर होती है आपकी 1 से 1.8 मीटर आपकी मेटासेंट्रिक हाइट वॉरशिप की जो होती है 1 to 1.8 मीटर। ये क्यों फ़र्क होता है इतना वॉरशिप और पैसेंजर शिप में, क्योंकि पैसेंजर्स को हमेशा कंफर्ट चाहिए होता है, जितनी ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी उतने जल्दी जो होगा शिप जो होगी अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगी। इसलिए हमें वॉरशिप में क्या चाहिए होता है, ये आपकी शिप चल रही है, इसमें अचानक क्या हुआ, प्लेन लैंड हुआ तो क्या हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ, और प्लेन दूसरा एक लैंड हुआ, दूसरा फिर से प्लेन आके उसमें लैंड हो रहा है, तो इसको क्या चाहिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ तो क्या हुआ, अपनी वापस पोजीशन में आ जाए, नहीं तो क्या हो सकता है आपका, कई काफ़ी बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं वहाँ पे। आपकी वॉरशिप में कंफर्टेबल नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है जितने जल्दी डिस्टर्बेंस हो उतने जल्दी शिप हमारी क्या हो, आपकी स्टेबल पोजीशन में आ जाए। लेकिन पैसेंजर शिप में क्या चाहते हैं हम, पैसेंजर शिप में पैसेंजर कंफर्ट चाहता है, वो नहीं चाहता है कि अचानक से शिप ऐसी हो और तुरंत क्या हो, ऐसी हो जाए, ऐसा होगा तो क्या होगा, इस सीट वाला पैसेंजर उठ के इस सीट में आ जाएगा, इस सीट वाला उस सीट में, ऐसा कोई कभी पैसेंजर पसंद नहीं करता। इसलिए पैसेंजर शिप में हम कम्फर्ट देना चाहते हैं, वहाँ पर मेटासेंट्रिक हाइट कम होती है, वैल्यू पूछ ली जाती है 0.5 से 1 मीटर, और जो वॉरशिप होती है उसमें हमें कम्फर्टेबल कम्फर्ट की जरूरत नहीं होती है, उसमें हमें स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, तो उसमें मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा होती है 1 से 1.8 मीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो आप देखिए, लाइन से सीक्वेंस देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बहुत समझ में आएगा आपको अच्छे से। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, SSC JEE ES GATE सबके लिए ये आपका ES लेवल का पढ़ाया जा रहा है, हर एग्ज़ाम में आपका काम आएगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो आपको डाल सकें हर सब्जेक्ट का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।